वेलकम बैक टू माई चैनल। तो भाई कैसे आप लोग, आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपको दिखाने लाए हैं रानी दुर्गावती का किला और माँ शारदा मंदिर, हमारे जबलपुर में सबसे फेमस है। तो सबसे पहले हम चलते हैं माँ शारदा मंदिर, वो रहा देखिए वहाँ पर मंदिर। ये रहा अपना मंदिर है ना, पहले बजाने अपन घंटा। ये रहा मंदिर, चलते हैं अपन मंदिर के अंदर। भाई माँ शारदा का मंदिर है यहाँ ना, देख सकते हो झंडे झंडे लगे हैं इधर। सब अंदर चलेंगे, चलते हैं अंदर। ये रही अपनी माता जी है ना, ये बाहर का व्यू है। इसके बाद इधर से अंदर चलेंगे अपन, मेन माता जी अंदर ही है। देख सकते हो भाई, ये मन्नतों वाली देवी है, इसलिए देखिए इधर सबकी ये मन्नतें बंधी रहती हैं। इधर से भी अपन बाहर निकल सकते हैं, इधर से भी निकल सकते हैं। चलते हैं बाहर है ना, आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ मैं। अपन बाहर शानदार दिखता है, देख सकते हो। भाई अब अपन जा रहे हैं फोर्ट है ना, रानी दुर्गावती के किले। तो उधर से जाते हैं, निकलते हैं, उसके बाद चलते हैं, ठीक है। एक बार ये देख ले लो, बताना भाई कैसा लगा आपको मंदिर। जाते हैं अब हम नीचे, एक बार घंटा और बजा देते हैं। ओके चलते हैं अपन फोर्ट। तो भाई अब हम जा रहे हैं किले की ओर है ना, सीढ़ी चढ़ रहे हैं अभी। देख सकते हो दोनों साइड भाई सिर्फ जंगल ही है। सीढ़ी लगभग 200-300 से ज़्यादा सीढ़ी है भाई इधर। भाई ये जो किला है ना, महाराजा मदन शाह ने बनवाए थे 1100 ईस्वी में। यहाँ पर रानी दुर्गावती रहती थी भाई। ये बनाया तो रहने के लिए था, लेकिन फिर यहाँ पे युद्ध होने लगे रहे, सांस फूलने लगी यार सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के। तो भाई अपन चढ़ते चढ़ते आधे ऊपर तक आ गए हैं, थोड़ा ही सा और बचा है ना। तो चलते हैं अपन सीढ़ी, वहाँ से ऊपर चलते ही अपन को किले के दर्शन होंगे है ना। देख सकते हो भाई चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है। देख सकते हो अपन किले के नज़दीक ही है, वो दिख रहा होगा आपको किला वहाँ पे। तो चलते हैं अपन वहीं पे है ना। क्या भाई, ये रहा अपना किला है ना, चलते हैं वरना इसके अंदर। भाई इसका काम चल रहा है यार, ताला लगा हुआ है, देख सकते हो उधर पे। अंदर अंदर तो अपन जा ही नहीं सकते हैं इसके, बाकी मैं इसके नज़ारे दिखाता हूँ आपको। देख सकते हो भाई एकदम ऊपर आ गए अपन है ना। कुछ लोग यहाँ पानी को देख रहे हैं गाइज, जब से हो गया। ये देखो भाई व्यू, इधर पे काम चल रहा है भाई, नहीं तो इसके अंदर भी लेके चलते हैं हम आपको। यही किला है ना भाई। ये जो सीढ़ियाँ दिख रही हैं ना आपको, यहीं से गेट था एकदम ऊपर जाने के लिए। उसके बाद वहाँ पे रानी रहती थी ऊपर, उधर पे भी रूम बने हैं छोटे छोटे, अब बंद है, नहीं तो हम ऊपर जाके आपको दिखाते। अब हो गया यार बंद है, तो भाई हम तो आ चुके हैं बहुत अंदर है अंदर से भी। जब खुल जाएगा तो आपको फिर से लेके चलेंगे, बाकी अभी तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये एकदम अपन ऊपर आ गए हैं ना, और दिखाते हैं। ये भी गेट थे भाई, जो अभी तो एकदम खंडहर हो चुके हैं, लेकिन पहले बहुत शानदार थे।
आगे चलते हैं अपन। भाई ये पूरे में किला था भाई, इधर की मतलब बहुत सी कहानियाँ। इधर क्या है ना कि दो ईंटें भी हैं सोने के गड़े हुए हैं, अभी बहुत लोग इसको ढूंढने भी आए हैं अभी तक, लेकिन किसी को नहीं मिली है, बट है यहीं कहीं। कुछ रूम्स यहाँ पे ये बने थे देख सकते हैं आपको। किले के बारे में आपको पूरी जानकारी इसमें मिल जाएगी, आप इसको पढ़ लेना वीडियो रोक के, है ना। नीचे जा रहे हैं हम लोग। तो गाइस अपन चल रहे हैं नीचे, है ना। इसके बाद आपको बस एक चीज दिखाना और बचा है, वो है बैलेंसिंग रॉक। रॉक समझे, लिखा है तो मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ बहुत मस्त सा लिखा है। लड़का लड़की अंदर घुस के ना बैठे, अन्यथा आपके साथ घटना हो सकती है। समझ गए ना, लड़का लड़की देख सकते हो, जंगल ही जंगल है, घुस के नहीं बैठना है इधर। तो भाई इधर क्या है ना, भोलेनाथ जी की एक गुफा है, तो अपन उस गुफा में चल रहे हैं अब। भाई देख सकते हो कितने बड़े बड़े पत्थर टिके हुए हैं। भाई ये देखो नज़ारा, देख सकते हो अपन इस गुफा से आए हैं भाई, है ना। उसके बाद ये पूरा अपने शहर का नज़ारा देख सकते हो ये अपना बैलेंसिंग रॉक। ये देखो पटका हुआ है, देख लिया ना, चलते हैं अपन। तो भाई लोग आप लोग ने देख लिया, मंदिर भी देख लिया, फोर्ट भी देख लिया, और ये बैलेंसिंग रॉक भी देख लिया, है ना। तो अपन जा रहे हैं घर। आपको वीडियो जैसी भी लगे हो कमेंट में ज़रूर बताएं, अच्छी लगे तो लाइक शेयर करो भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।